दोस्तों, अगर आप पीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों की क्या अपडेट है, क्या मामला है, क्यों भर्तियां इतनी लेट हो रही हैं और कब तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती 2021 कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन उसका समायोजन अभी तक बाकी है। 2022 भर्ती की बात करें तो टीजीटी पीजीटी 2021 के जस्ट बाद से ही 2022 का मुद्दा सोशल मीडिया पर आ गया, भर्ती नई भर्ती की मांग करने लगे। आप लोग इसका पूरा वाकया तो जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाचार पत्रों के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश में 27,000 शिक्षकों की भर्तियां टीजीटी पीजीटी के माध्यम से होंगी। इस मामलों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो चयन बोर्ड गए और चयन बोर्ड ने कहा कि भर्तियाँ तो होंगी लेकिन समय लगेगा। उसके बाद कई बार अभ्यर्थी गए, लेकिन क्या है कि फिर लगातार चयन बोर्ड के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा। दिसंबर में विज्ञापन की बात कही गई, जनवरी में विज्ञापन की बात कही गई, उसके बाद कहा गया कि आचार संहिता में भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आचार संहिता लगी हुई है। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त हो रही है, उसके बाद अब क्या होगा उसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों का अध्याचन ले लिया गया है, लेकिन जो पद आए हैं पद बहुत कम है, लगभग 5,200, 5,300, 5,400 के आसपास पद बताए जा रहे हैं, लेकिन ये पद वास्तविक रूप से इतने पदों पर भर्तियां आपको नहीं मिलेंगी, पद और भी कम होंगे। टीजीटी पीजीटी 2016 में जो भी अभ्यर्थी समायोजन से वंचित थे उनका समायोजन किया गया, इसके बाद पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और अभी मामला यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन को लेकर के लटका हुआ है। आज के समाचार पत्रों में देखिए इसके बारे में अपडेट किया गया है कि टीजीटी व पीजीटी चयनितों का समायोजन नई सरकार में होगा। नई सरकार का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि 10 मार्च को काउंटिंग होगी, उसके बाद नई सरकार बनेगी, उसके बाद इनका समायोजन होगा। और समायोजन में कितने पद कम होंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा है कि करीब 800 शिक्षक ऐसे हैं जिनका समायोजन होना है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए अगर 5,200 या 5,400 पदों का अध्याचन मिला है उसमें 800 पद तो सीधे सीधे कम हो गए और करीब 500 या 600 पद 2016 के समायोजन के कुल मिलाकर के टोटल होंगे। कई सब पदों पर समायोजन हो चुका है, कुछ पद अभी 2016 में समायोजन में बाकी हैं, तो कुल मिलाकर के 1,200 पद ऐसे हैं जो फालतू चले जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो मात्र 4,000 पदों पर ही विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ये 4,000 पदों पर विज्ञापन कब देखने को मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। अब देखते हैं पूरा मामला। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए कहा गया कि समायोजन जो होगा वो नई सरकार में होगा। 10 मार्च के बाद कौन सी सरकार बनती है, सरकार अगर बदलती है तो ये मामला और डिले हो सकता है। अगर करंट में जो सरकार है बीजेपी की यही सरकार रही तो मामला जल्दी निस्तारित हो सकता है। तो अगर ये समायोजन आपका मार्च के लास्ट तक भी होता है या अप्रैल में हो जाता है तो ये मान लीजिए नई भर्ती का विज्ञापन उसके बाद ही आना। जब तक समायोजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और यही एक बड़ा कारण है टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन के जारी ना होने का। और छात्रों का ये भी कहना है कि ये जो 4,000 पद बचेंगे ये बहुत कम पद हैं, इतने पदों पर भर्ती हमें नहीं चाहिए। छात्रों का ये भी कहना है कि चयन बोर्ड जो है दोबारा से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए अध्याचन खोले, पोर्टल खोले और जो भी रिक्त पद हों, बहुत से लोग जो हैं कॉलेज वाले रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिए तो उन पदों को भी यहाँ पर बुलाया मतलब मंगाया जाए और उसके बाद जो पद बढ़ करके आते हैं उन टोटल पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए अध्याचन पोर्टल खोल भी दिया गया तो कम से कम 15 दिन का समय वहाँ पर लगेगा पोर्टल खोलने से लेकर पूरी प्रक्रिया तक, और उसके बाद कितने पद आते हैं ये वास्तविकता की बात होगी। और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर बढ़ेंगे, 1,000 पद अगर भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर नई भर्ती में अगर जुड़ते हैं। और तो कुल मिलाकर अगर 1,000 पद भी जोड़ लेते हैं तो 4,000 पद यहाँ से बचेंगे, 1,000 पद आपके और हो जाएंगे, तो इस तरीके से 5,000 पद या थोड़ा नियर अबाउट ही भर्ती आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन अब मामला ये है कि भर्ती का आपका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी एक बार फिर से सरकार पर, कौन सी सरकार बनती है इसके बाद ही वास्तविकता की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पहले 2021 का समायोजन होना है, समायोजन जहाँ तक हमें लगता है कि लास्ट मार्च या अप्रैल तक जाएगा, लास्ट मार्च या शुरुआती अप्रैल तक समायोजन हो जाएगा और उसके बाद फिर आपकी टीजीटी पीजीटी
पीजीटी 2022 भर्ती की तैयारी होगी। तो कुल मिलाकर के जहां तक हमें लगता है कि आपका जो विज्ञापन है हर हाल में अप्रैल में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके बाद अध्यक्षन पोर्टल भी खोलना है, तो अप्रैल में किसी भी हाल में विज्ञापन नहीं आ पाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका विज्ञापन मई या जून में आ सकता है, और अगर सरकार बदल गई तो इस मामले पर और ज़्यादा विलंब हो सकता है। ठीक है, तो और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि तदर्थ शिक्षकों के लगभग 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पद हैं जिनको इस भर्ती में जुड़वाना है। उसके लिए युवा मंच की तरफ से प्रयास जारी है। अगर ये पद जुड़ जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ पर कम से कम अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे, नहीं तो मात्र 4,000 से 5,000 पदों पर ही विज्ञापन सिमट जाएगा। ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी जमकर के तैयारी करें, ये मान चलिए अगर आप टॉप लिस्ट में रहेंगे तभी आपका चयन होगा, क्योंकि पद यहाँ पर बहुत कम होंगे। टीजीटी के भी पद होंगे, पीजीटी के भी पद होंगे, उसके बाद फिर जो पद हैं वो आपका सब्जेक्ट वाइज बटेंगे, उसके बाद कैटेगरी वाइज बटेंगे, तो पदों की संख्या काफ़ी कम रहेगी, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मामला एक और बता दें, एक यहाँ पर मामला और है जो इस भर्ती को फंसा सकता है। वो मामला ये है कि हाल ही में अभी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि जो चयन बोर्ड में मेंबर हैं उन मेंबर्स का भी कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। कई सारे मेंबर्स इनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, कुछ का आई थिंक मई में समाप्त हो रहा है। तो अगर मेंबर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो फिर कैसे विज्ञापन आएगा, क्योंकि जब तक नए मेंबर की नियुक्ति नहीं होगी तब तक विज्ञापन जारी करना आई थिंक संभव नहीं होगा। तो इस कारण भी यहाँ पर विलंब हो सकता है। तो कई सारे मुद्दे हैं विज्ञापन में देरी होने के। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका समायोजन का ही है। इसके बाद आपका जो मेंबर अगर उनका रिटायर हो जाएंगे तो फिर किस तरीके से विज्ञापन जारी हो पाएगा। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में कुछ बदलाव होने के आसार नहीं है। तो जो लोग पूछ रहे थे क्या कुछ बदलाव हो सकता, तो निश्चिंत रहें, जिस तरीके से पिछली आपकी भर्ती हुई है उसी तरीके से ये भर्ती भी होगी। ठीक है, अगर कुछ बदलाव की संभावना होती है, कुछ नज़र आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। नया विज्ञापन को लेकर के आई थिंक आपको जो यहाँ पर अपडेट थी क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।